असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि जिस एनआरसी को फाइनल कहा जा रहा है वास्तव में वो फाइनल एनआरसी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल सप्लीमेंट्री एनआरसी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के लोगों से नाम को शामिल करने और छटनी को लेकर एक आदेश में ये बात कही थी, लेकिन पूर्व राज्यिक समन्वय प्रतीक हाजेला ने सप्लीमेंट्री एनआरसी को फाइनल एनआरसी के रूप में प्रकाशित कर दिया, जिसमें 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये फाइनल एनआरसी नहीं है, इसलिए रिजेक्शन स्लिप का प्रश्न ही नहीं उठता है। और फाइनल एनआरसी बुली क्वार लोगे लोगे रिजेक्शन स्लिप और कथा ही पड़े, किंतु एटिया जितु 19 लाख मानु रिजेक्शन स्लिप और कथा कोई ऐसे, जिहेतु एकोन फाइनल एनआरसी न होए, সেইকাৰণে ৰিজেকশ্যন শ্লিপৰ কথাটো আমি এতিয়া পাতি লাভ নাই, ৰিজেকশ্যন শ্লিপ নিদিলেও হ'ব। আমি সুখী নহয় এনআৰচিখনক লৈ, কাৰণ ইয়াত 80 লাখতকৈ বেছি সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকৰ নাম সোমাইছে। ইয়াতে দুৰ্নীতি হৈছে, ডুপ্লিকেট কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিছে, লিগেচি কিনা বেচা হৈছে। এইখন জাতীয় দলিল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এইখন হ'ল বাংলাদেশীক ভাৰতীয়কৰণ কৰা এখন দলিল। वही उन्होंने कहा कि एनआरसी में सबसे बड़ा धांधली मूल निवासियों के नाम पर हुई है। बागबर, मोरीगांव सहित कई स्थानों पर संदिग्ध लोगों का नाम मूल निवासियों के रूप में शामिल किया गया है। डांगोर सबुत को डांगोर खेली मिली टू होल ओआई ओरिजिनल इनहेबिटेंट, लाख लाख विदेशी मानुओं नाम ओआई हिसाबे हुमाई से, ही सोमोरिया 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 তাৰপিছত বাগবৰ, মৰিগাঁও, দলগাঁও, খাৰুপেটীয়া, এনেকে বিভিন্ন জেগাত অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্টত সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাম সোমাইছে। শৰ্মানে কহা কি হম ধুবুৰী, চিৰাং, কামৰূপ দোনো জিলে, লখিমপুৰ, নগাঁও, হোজাই, কছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হেলাকান্দি সহিত কই জিলো মে 100% এনআৰচি কে দোবাৰা যাঁচ কি মাং কৰ ৰহে হে। अगर इन जिलों में 100% जांच होता है तो 80 लाख अवैध लोगों का नाम सामने आ जाएगा। 100% रिवेरिफिकेशन और कथा जितु आमी कोइसु आमी कोट कोट बिचारिसु आमी बिचारिसु धुबुरी लेखि लबो 100% रिवेरिफिकेशन धुबुरी, कोकराझार, सिरां, बंगाईगांव, दक्षिण हालमारा, ग्वालपारा, নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মহানগৰ, ওদালগুৰি, দৰং, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আছে। আৰু এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 80 লাখ বাংলাদেশী নাম ওলাব। वहीं उन्होंने कहा कि एनआरसी में दिए गए बायोमेट्रिक के कारण 27 लाख लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 27 लाख लोग आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एपीडब्ल्यू इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथनामा दाखिल करेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और आरजीआई से भी मामले में विचार करने की अपील की है। সাতাইশ লাখ মানুহ ভুগি আছে বৰ্তমান বায়োমেট্ৰিকৰ নামত আধাৰ বনাব পৰা নাই। এতিয়া আমি এখন এফিডেভিট ফাইল কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাতে 27 লাখ মানুহৰ যিটো বায়োমেট্ৰিকৰ নামত আধাৰ বনাব যে পৰা নাই সেইটো যাতে খুব সোনকালে সি লাগে অনলাইন হিয়াৰিঙতে হওক বা যেনেকেই নহওক কিয় সেইটো এটা জাজমেণ্ট আমাক লাগে। আৰু অসম চৰকাৰকো আমি জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰেও এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগে, আৰজিআই এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগে যে 27 লাখ মানুহৰ যাতে দিগদাৰ নহয়। 27 লাখটো কিন্তু বাঢ়ি গৈ থাকিব।